नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोरी टेक चैनल। दोस्तों मेरा नाम सोनू कोरी। जैसे कि आप FTTH कनेक्शन लेना चाहते हो फाइबर पे, तो एक कस्टमर था उनके पास ना, FTTH कनेक्शन ही ले रहे थे अपग्रेड करके। तो हमने ओइनू का रेट बताया उन्हें, जैसे कि ये इस टाइप का ओइनू होते हैं, ये आपका जैसे नॉर्मल राउटर होता है ये फाइबर राउटर पे स्विच कर देता है आपका, मतलब जो Cat5 का राउटर होता है आपका उस पर फाइबर राउटर की तरह चला देगा। मतलब कि फाइबर केबल इसमें लग जाएगी एक, और इसमें से एक लैन केबल आपके राउटर में लग जाएगा, तो आपका फाइबर कनेक्शन हो जाएगा। तो कस्टमर का हमने ये ओइनू बताया था, तो उन्होंने बोला था कि आप बहुत महंगा दे रहे हो, मैं अपना बाहर से लेके आऊंगा ओइनू। तो कस्टमर अपना ओइनू बाहर से लेके आए थे, मगर दो तरह तीन दो की तीन तरह के ओइनू आते हैं, जैसे जीपोन, ईपोन और एक्सपोन तरह के ओइनू होते हैं। तो कस्टमर हमसे ने खुद ही अपनी तरफ से ओइनू लिया था, तो उन्हीं का एक कनेक्शन लाया था मैंने फाइबर पे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताना। और हाँ भाई लोगों, जैसे कि आपके पास नॉर्मल राउटर है तभी ओइनू लीजिए ना, तो आप पे राउटर नहीं है तो आप सीधा फाइबर राउटर लीजिए। जैसे कि आपके पास डुअल बैंड राउटर है तभी ओइनू लीजिए, तभी आपका सक्सेस भी चलेगा और अच्छा इंटरनेट भी चलेगा, डुअल बैंड राउटर होगा जब। चलो देखते हैं कस्टमर के यहाँ पर कितनी स्पीड आती है। एक पॉइंट और दिया था लगाने के लिए, ये रहा ना पूरा सेट, उसमें लगेगा नहीं ना, उनको वो लगाना पड़ेगा। अच्छा मल्टीप्लग लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मल्टीप्लग। अरे इसमें लगा, उसी में लगाओ, ये इसका हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हटाओ। और ये तुम्हारा हो जाएगा राउटर का, कहाँ गया लगाओ राउटर। 3 मिनट से हो गया, मैं इसकी फोटो भी लोगे हैं? हाँ, तो आप फेसबुक पेज पर डालोगे। यूट्यूबर है ये, हैकर है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, सब कुछ हैकर भी। हाँ और क्या, हैकर रहता है। अबे उसमें लगाओ यार, ये एसी का है। अरे ये तो लग गया, एसी का नहीं है, ऐसी पावर का बटन था, चालू है, पीछे से चालू था, चालू पावर इसमें वो आ रही, नहीं आ रही पावर, तो इसमें लगा दे। अबे आ रही है, देखो ना उसमें, देखो इनू में आ रही है। अरे इसमें आ रही है ना। हाँ तो तुम उसी का मल्टीप्लग निकालो, उसमें लगाओ, पहले इसमें ये लगाओ, ऐसे नहीं लगेगा, पहले इसी के अंदर फिक्स कर लो, ये सेट कर, हाँ, सेट करके, हाँ, सेट करके लगा दो। अब इसे ऊपर लगा दो, मरियल मरियल तो है यार। बस 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 लगाओ। ये इसमें कुछ है तो है नहीं, इस ये यूज क्या होता है इसका? ये होता सिग्नल के लिए, होता हिलेगा बाद में, हिलेगा। इसे ऊपर कर दो ना, तो इसे नीचे कर दो, ऐसे कर दो ऊपर। भाई ऊपर भी तो है ना, देखो लाइट आई नहीं, आ गई है, फ्रेम तो बाद में लाएंगे नहीं, वो लाइन केबल लगाओ। टेबल पे रख दो उसे सारा, एकदम कॉर्नर पे कर दो। सेट करना पड़ेगा, नहीं करोगी क्या? इस साइड, इस साइड, इस साइड। दबा रखना तो मालूम क्यों? इस साइड, इस साइड, इस साइड। जैसे ही कर दो मगर दबा कर, कनेक्टर लगा दो ये वाला, इसको भी ऊपर रख दे। ये क्या है अब? जॉइंट बॉक्स है, इसमें आपकी फाइबर बॉक्स होता है, इसके अंदर से फाइबर जाती है। ये लगाऊं ना कनेक्टर? ये रहा, ये रहा, ये लगा दो बस, चल गया लैपटॉप निकल गया, राउटर बंद हो गया इनका। फिर बस 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 ठीक है, ठीक है। लाए आप तो खुश हो गए इसी बात में। भैया एक बात बताओ, ये पिंग पिंग का मतलब क्या होता है? पिंग दिक्कत नहीं करता है सिग्नल, पिंग पहले बहुत ज्यादा आता था 100 समथिंग, तो मुझे लगता है ये डिस्टरबेंस का तो नहीं होता। हाँ तो पिंग ऐसे होता है, ऐसे पिंग ज्यादा आने लगता है, 1000-2000 आ जाएगा ना तो दिक्कत। 1000 ही 100 में आता था, लाइन में इशू होता ना तो राउटर में इशू होता तब आता पिंग का इशू। अभी आपका सही चल रहा है, देखो 50.12 दे दिया, बताओ। देख लो भैया आप कहते कमाएगा, मैं बोल रही थी मुझे पता है। हम जो कहते हैं ना उसका उल्टा ले जाओगे ना हमेशा सक्सेस होगी। हमने कहा 1200 का राउटर पड़ेगा, हो सकता सस्ता पड़ जाए। चलो चले ठीक है, अगर वो स्पीड में कुछ अभी स्पीड में दिक्कत, अब आप साल भर बोल नहीं सकती हो, साल भर बस। अब आप
अरे मतलब जब तक लगाओगी तब तक जता है कि नहीं जिंदा है।